सभी महिलाओं और दिव्यांगों के साथ अवैध वसूली तथा शराब के नशे की हालत में की जाती है अभद्रता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। योगी सरकार का नहीं है भय, पूरी तरह से मनमानी पर उतारू है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असंद्रा के डॉक्टर और फार्मासिस्ट, दिव्यांग तक को नहीं छोड़ता है तैनात फार्मासिस्ट यशोदा नंदन उपाध्याय। इन महाशय के साथ अगर किसी उच्च अधिकारी का संरक्षण है तभी तो ऐसी स्थिति की संभावना उजागर हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फार्मासिस्ट साहब के इतने हौसले बुलंद क्यों? क्योंकि ग्रामीणों की माने तो समाज को नशे से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा और एनजीओ की तरफ से अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, फिर भी असंद्रा पीएचसी के सीनियर फार्मासिस्ट साहब आखिर कब तक मनमानी क्षेत्र के अस्पताल में करेंगे, जबकि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर अस्पताल बनवाया जाता है और अच्छे अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है कि आम जनमानस को समय पर निशुल्क इलाज और बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन ऐसे डॉक्टर और फार्मासिस्ट सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नाम ना छपने की शर्त पर बताया कि यहाँ पर डॉक्टर मदन गोपाल वर्मा और फार्मासिस्ट यशोदा नंदन उपाध्याय, फार्मासिस्ट धर्मानंद, फार्मासिस्ट जितेंद्र कुमार यादव की पोस्टिंग है, जिसमें से सिर्फ फार्मासिस्ट यशोदा नंदन उपाध्याय ड्यूटी पर शराब के नशे में देखे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक सूचना मिलने पर हमारे संवाददाता के द्वारा आज दिनांक 7/12/2021 को समय 11:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र असंद्रा पर जाकर देखा गया तो अस्पताल में डॉक्टर मदन गोपाल वर्मा मौजूद थे और ना ही फार्मासिस्ट यशोदा नंदन उपाध्याय और ना ही धर्मानंद, सिर्फ जितेंद्र कुमार व चौकीदार गुरु प्रसाद मौजूद मिले। संवाददाता के पूछने पर डॉक्टर मदन गोपाल वर्मा ने बताया कि फार्मेसी यशोदा नंदन उपाध्याय ने फोन पर बताया कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है और धर्मानंद की छुट्टी की एप्लीकेशन है। संवाददाता ने जब एप्लीकेशन दिखाने को कहा तो मौके पर एप्लीकेशन नहीं मिली। इससे साफ जाहिर होता है कि कुल मिलाकर पूरे मामले पर खाना पूर्ति की जाती है। ये पूरा कारनामा देखकर संवाददाता के द्वारा सीएचसी अधीक्षक हरप्रीत सिंह से फोन पर जानकारी ली गई तो सिद्धौड़ सीएचसी अधीक्षक साहब ने बताया कि किसी की कोई इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है और ना ही किसी की कोई छुट्टी की एप्लीकेशन है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग और अस्पताल की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। प्राइम न्यूज 24 के लिए वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या समस्या है आपको? बुखार रहता है, खांसी आती है। दवा लेने गए थे। कहाँ गए थे? अकबरी। अच्छा, तो मिली दवा? दवा नहीं मिली है, 3-4 गोली दी थी, उससे फायदा नहीं मिली। तो बोले थे पैसे दे दे। कौन बोला था पैसे दे दे? उपाध्याय। तो 800 दे दिए। तो बोले कि जाँच कराओ। जाँच कराने पर बोले रिपोर्ट आएगी तो ले जाना। 3-4 बार गए, मिले नहीं। मिले तो रिपोर्ट मांगे तो बोले दारू की शीशी लेकर। मना किए तो उसको गाली दे कर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? संगीता। आपके पति का क्या नाम है? राम है। कहाँ रहती हो? क्या परेशानी हुई है तुम्हारे साथ? हम गए थे दवा लेने। डॉक्टर उपाध्याय बोले है कि तुम्हारे कमजोरी है, तुम्हारे मियादी बुखार है, दवा लेने के लिए गई थी। तो बोल रहे थे कि आप जांच कराओ खून की। तो जांच करवाई, मांगने के लिए गए, 2-3 बार वापस आ गए, को बोला आई नहीं, अभी आई नहीं। जब गए तो बोले कि हमारे आदमी की लाओ, आप हमें रिपोर्ट दो। तो बोले दारू की शीशी लाओ और आपसे, हाँ बोल रहे कि दारू की शीशी लाओ। और जब दारू की शीशी नहीं दिया तो उन्होंने गाली दे के भगा दिया। बोले जाओ यहाँ से, दारू की शीशी लेकर आओ तो हम आपको रिपोर्ट देंगे। अच्छा, पैसे भी कुल लिया था? हाँ लिया था, 600-700 रुपए ले लिए। और उसके बाद में जब मांग रहे थे तो बोला कि दारू की शीशी लेकर आओ, नहीं तो फिर आप जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, नाम है भैया आपका? बाबूलाल। कहाँ रहते हैं? परवानी। तो यहाँ अस्पताल किस लिए आए थे?
अरे दवाई खाते ना रहे, खांसी आ रही कुछ दर्द हो तो यहाँ देखो मेरी तरफ। तो यहाँ मिला कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं थी। कितना समय हो रहा है? मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है अभी तक। जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर मधुगोपाल वर्मा। आप यहाँ पर डॉक्टर हैं? अच्छा अच्छा, तो आप अभी ड्यूटी पर आ रहे हैं, समय हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट बाकी। कितने बजे की ड्यूटी है? तो अभी समय कितना हुआ? थोड़ा लेट हो गया, तो गाड़ी जाता। अच्छा, फार्मासिस्ट कौन कौन है यहाँ? फार्मासिस्ट यशोदानंदन उपाध्याय है। जी। और धर्मानंद? धर्मानंद अगले हैं, वो भी आ रहे होंगे। आ रहे होंगे। अच्छा, तो यशोदानंद उपाध्याय जी भी नहीं आए? उन दोनों ने आपको छुट्टी के लिए कहा था, लेकिन उन दोनों से हमने यही कहा है कि जो छुट्टी ले मिले आप डॉक्टर हरप्रीत को सूचित करके लेंगे। अच्छा, तो कल दोनों लोग भी नहीं आए थे? कल जितेंद्र थे। जितेंद्र थे और धर्मासिस्ट फार्मासिस्ट ये धर्मानंद उपाध्याय भी नहीं थे? उपाध्याय नहीं थे, धर्मानंद तो कल छुट्टी लेके गए हुए थे। और उपाध्याय जी? उपाध्याय जी के बारे में हमें नहीं पता। अच्छा, आपको कोई सूचना नहीं? अच्छा अच्छा, जब आप लोग इतनी देरी से आएंगे तो यहाँ जो मरीज आते हैं उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे आप? नहीं, मरीज की समस्या का समाधान होता है, आज लेट हो गए वरना आ जाते हैं। अखबारों में दो तीन से खबरें चल रही हैं, अस्पताल के खिलाफ जानकारी है आपको? हाँ। अखबारों की सुर्खियाँ बन रही हैं, आखिर इसका कारण क्या है? अब इसका कारण उपाध्याय के बारे में निकल रहा है जो भी है। अच्छा, ये जो शराब और नशे वाली मामले की एप्लीकेशन आई है, आपको जानकारी है? एप्लीकेशन का पेपर में निकला है, उसके बारे में तो हमने कहा था। तो वास्तविक ये शराब का नशा करते हैं क्या? अब यहाँ पे जब तक रहते हैं तब तक तो हम मना करते हैं, इसके लिए यहाँ पे पीके नहीं आता किसी भी कर्मचारी के लिए। मना करते हैं यानी कि पीते हैं? अब इसके बारे में नहीं बता सकते, यहाँ पर रहते तब तो हमारे संज्ञान में नहीं रहता है। अच्छा, ना अस्पताल में हम किसी को इस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं।